आजकल ट्विटर ट्विटर खूब खेलते हैं, इतने भी अपराधी हैं, सबका संरक्षण प्राप्त है बाबूलाल जी का। ट्विटर खेलना बंद कीजिए और ताश का 52 पत्ता होता है जरा सा कभी उसको भी खेल कर देखिए, उसमें कितना आनंद है। हम प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए बुलाए हैं कि कल हम समाचार में देखे कि बाबूलाल जी नैतिकता की बात करते हैं। वो माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी को नैतिकता के पाठ पढ़ा रहे हैं, लेकिन बाबूलाल जी की अपनी नैतिकता क्या है? कल ट्विटर ट्विटर खूब खेलते हैं, ट्विटर खेलना बंद कीजिए और ताश का 52 पत्ता होता है जरा सा कभी उसको भी खेल कर देखिए, उसमें कितना आनंद है। अभी जितने भी अपराधी हैं सबका संरक्षण प्राप्त है बाबूलाल जी का। साहेबगंज में आते हैं तो नौका बिहार करते हैं अपराधी के नाम से, और किसी अपराधी को लेकर जिसका इतिहास है उसका गुहार लगाते हैं। इसलिए ट्विटर ट्विटर खेलना बंद करें। 2019 का चुनाव वो जेबीएम पार्टी कंघी छाप से लड़े और भारतीय जनता पार्टी के विरोध में चुनाव लड़े और उन्होंने जीता। जीतने के बाद झारखंड की जनता को धोखा देने का काम किया। झारखंड की जनता ने उन्हें इसलिए नहीं जिताया था कि आप जीतकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाए। उन्होंने चुनाव जीते और मोटी रुपया में रकम में लेकर अपने ही नहीं अपनी पार्टी को भी भारतीय जनता पार्टी में विलय कर दी। इसलिए बाबूलाल मरांडी जी को नैतिकता के आधार पर त्याग पत्र दे देना चाहिए और पुनः चुनाव लड़ना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी के सिंबल कमल फूल के सिंबल से उनको चुनाव लड़ना चाहिए। वो दूसरे की नैतिकता की बात करते हैं। हम आदरणीय बाबूलाल जी से कहना चाहते हैं कि पहले दूसरों को पाठ पढ़ाने से पहले लोग अपने पे पढ़े। जब वो प्रथम मुख्यमंत्री थे तो दुमका के सर्किट हाउस से रात को कहां जाते थे जरा सा वो पूछा जाए। बाबूलाल जी को कलकत्ता के ताज होटल से बड़ा अच्छा प्रेम है। अब आप ही लोग पूछिए उनको कितना प्रेम क्यों है। दाढ़ी बनाने से कोई साधु नहीं हो जाता है। जो व्यक्ति कुतुब मीनार से कूदने की बात करता था, हिमालय पर तपस्या करने की बात करता था कि भारतीय जनता पार्टी में नहीं जाएंगे, और वो व्यक्ति जेबीएम से कंघी छाप से चुनाव जीतने के बाद भारतीय जनता पार्टी में चले गए, तो झारखंड की जनता इन पर कैसे विश्वास। चुनाव आयोग ने स्पष्टीकरण जवाब मांगा है माननीय मुख्यमंत्री से, तो भारतीय जनता पार्टी इतना उत्साहित क्यों है? अपने जज भी बन जाते हैं, अपने वकील भी बन जाते हैं, और हमें तो चुनाव आयोग पर भी, चुनाव आयोग आज के डेट में निष्पक्ष है कि नहीं प्रश्नवाचक चिन्ह है कि जिस जल्दबाजी में प्लेन से दूत को भेजकर और चिट्ठी को रिसीव कराया जाता है, कहीं ना कहीं संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोगों भी खतरा मंडरा रहा है। ये सब खतरे की घंटी है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को उत्साहित नहीं होना चाहिए। हम लोग उसका सब जवाब देंगे और
एक कहावत सुने होंगे, गाछे कटार ओठे तेल, वही हाल है भारतीय जनता पार्टी का। ओठ में तेल लगाकर रखे रहे, कटहल खाने को नहीं मिलेगा।